वेलकम टू आवर चैनल ओपन एडू सब्स। जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल पर देख चुके हैं, बिल से संबंधित क्षेत्र निकालने के लिए ये चार क्वेश्चन हैं। क्या आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? जो चार मैंने को फिगर लगाया बनाया है, तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, आप निकाल सकते हैं। हमारे जब मैं इस लेक्चर सीरीज को ख़त्म करूँगा वित्त से संबंधित क्षेत्र का, तो आप आसानी से सभी क्षेत्रों का निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम अपना सेशन चालू करते हैं और इसी आशा के साथ कि हम इन सभी ऐसे तमाम क्षेत्रफल का निकाल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो मैं अभी पॉज करूँगा वीडियो को और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स पहले कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स कवर करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर हार्ड क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे कि ये टफ क्वेश्चन में कैटेगरी में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कठिन कैटेगरी में इसे रखा जा सकता है, तो हम आएंगे फ्रेंड। ठीक है, और ऐसे तमाम मैं लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत हार्ड होते हैं, आप लोग को समझ नहीं आता है। ठीक है, इसमें मैं घड़ी का भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, घड़ी का भी क्वेश्चन कराऊंगा इसी में, और जिससे आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ। हाँ फ्रेंड, तो टॉपिक नंबर 1 हम लोग एक एक करके टॉपिक को सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं इस फोटो को रहने देता हूँ ताकि आपको ओरिजिनलिटी जो हमारे जो चैनल के बात है उस बात को पूर्ण करेंगे इस फिगर के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट में मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो टॉपिक जितने टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। ठीक है, उस फॉर्मूले को जरूर से ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है फ्रेंड? वृत्त की परिधि को क्या परिभाषा क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये हमारा सर्कल है। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल बनता नहीं है अच्छे से खुले हाथों से, फ्री फ्लो, ये तो मैंने कंपास का यूज करके बनाया था। ठीक है, तो जैसे ये है वृत्त, तो इसका परिधि क्या होता है? परिधि होता है, देखिए जब आप मान लीजिए कि एक छोटा सा धागा ले, ठीक है, ये धागा है हमारा, क्या है, एक धागा है और दो, मतलब कि दो इस तरह से एक धागा लिया और एक डंडा लिया। ठीक है, अब इससे मतलब कि मैं इसको ओरिजिन माना और इसको रोटेट किया, क्या किया, रोटेट करता चला गया। ठीक है, तो हमारा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस सर्कल का जो आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रेंड तो मतलब एक, ठीक है, तो एक रेखा बनी। ठीक है, वक्र रेखा कहिए। तो इस रेखा को टोटल कितना लंबाई का बना, जब इसको आप तोड़ोगे, मतलब इसको खोलोगे, इसको जब आप खोलोगे तो किस तरह से खुलेगा, देखो इस तरह से खोलोगे तो एक लंबा सा लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक लंबा सा लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि इस लाइन का लेंथ क्या होगा। ठीक है, इसको एक वायर है या एक धागा है, गोल है, मैंने उसको तोड़ा और उसको इस तरह से पसार दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ए लाइन है और यहीं पे बी है, तो ए है और ये बी है, तो यहाँ पर से खींचा गया। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस लेंथ का वैल्यू क्या है, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का क्या होगा फॉर्मूला? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2πr। तो इस फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में और इस डायग्राम को इस कॉपी में टॉपिक 1 करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr। आर क्या है? आर अपना क्या है, रेडियस है। ठीक है, त्रिज्या, इसको क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो ये त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, इस सर्कल की। सर्कल की त्रिज्या का मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी बताया कि धागा लिया और
और ये जो मैंने यहाँ तक धागे को दो दो नुकीली चीजों से बांध के मैंने एक सर्कल घूम इसको मतलब कि इसको रखा और इसको घुमाया घुमाया तो एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो इस सर्कल जो बना उस सर्कल का जो लेंथ बना कितना कवर किए पूरा एक राउंड में एक चक्कर में उसको वृत्त की परिधि कहते हैं, तो 2πr। तो r क्या है, त्रिज्या है, तो इसी को r को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या सर्कल में एक सर्कल का त्रिज्या हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कहीं भी आप चेक करिएगा तो ये त्रिज्या सेम रहेगा जब मेजर कीजिएगा तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये फिगर पहले टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, फिर ये फिगर लिखेंगे, फिर आप ये परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो मैं टॉपिक टू पे चलता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी से वाइप करता हूँ। टॉपिक टू पे चलता हूँ। ठीक है, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल, क्या वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इस सभी चीज का प्रूफ तो होता है, आप जान रहे होंगे कि सबका प्रूफ होता है, कहाँ से आया फॉर्मूला, तो इसका भी प्रूफ है फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रूफ को हम लोग यहाँ पे नहीं सीखेंगे, हम लोग जब बहुत आगे पढ़ेंगे, जैसे आप बीएससी करेंगे मैथ से, तो ये सब सारा प्रूफ आपको बताया जाएगा कहाँ से ये आता है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं नेक्स्ट मतलब कि मैं वीडियो में अपने प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है तो मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए एरिया पे बात करते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, तो फिर से इसका रेडियस आर हो गया। ठीक है, तो मैं कहा कि जब मैं ये बनाया सर्कल, तो इसके अंदर में कितना क्षेत्र को कवर किया, क्या किया क्षेत्र को कवर किया, तो इस कवर क्षेत्र का कितना होगा पार्ट, इस कवर क्षेत्र जो है वो कितना पार्ट है, तो उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो जब इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो मतलब रेडियस मतलब त्रिज्या की बात कर रहा हूं मैं, त्रिज्या आर है, तो एरिया क्या होगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा अपना क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, टॉपिक थ्री पे चलेंगे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का। ठीक है, आइए, ये आपने तो यहाँ पे मैंने बताना भूल गया कि आपको टॉपिक टू लिखना है। ठीक है, फिर इस टॉपिक को लिखना वृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसको उतारना और इसको उतारना और इसको उतारना है। ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक में उतारिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, टॉपिक थ्री जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो थ्री है, अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल, क्या है फ्रेंड, अर्धवृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये मेरा टॉपिक थर्ड होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, देखिए अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, अर्ध मतलब आधा। ठीक है, तो आधा वृत्त हमने बना लिया और ये अपना इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आधा वृत्त बना लिया, तो मैंने बोला कि इसका जो ये जो पार्ट है कंटूर पार्ट, मतलब कि जो वक्र पार्ट है ये वाला, मैं जो रेड लाइन से मतलब डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ,
आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाया, इसका जो लंबाई होगा जब आप इस पॉइंट को, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को, मतलब कि एक लंबा सा पॉइंट को, मतलब ये पी क्यू, ठीक है, ये पी भी आएगा, ए ए और बी, मतलब ये वाला पार्ट को मैंने खोल दिया, तो इसकी लेंथ, इसको लेंथ को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी लेंथ को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि बोलेंगे, परिधि, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसका हम परिधि का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो मैं इसको वाइप कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ और जल्दी से लिख देता हूँ, परिधि, अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए 2πr, देखिए 2πr हो गया था पहले पीछे वाले में, देखिएगा पीछे वाले में हमने क्या क्या था, एक सर्कल है और इसका जो r है, ठीक है, r है, तो इसका बोले थे 2πr, तो ये आधा है, क्या फ्रेंड्स, ये आधा है, तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो क्या होगा पाई आर, तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, अर्धवृत्त का परिधि हो जाएगा पाई आर, ठीक है। अब आइए क्षेत्रफल पे चलते हैं, क्षेत्रफल पे चलते हैं, तो क्षेत्रफल, तो सिंपल सा है, अर्धवृत्त का बात कहा गया है, तो क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में भी जो फॉर्मूला हमारा पूरा है पाई आर स्क्वायर को, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है, तो पाई आर 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने दो दो तीन फॉर्मूले इसी टॉपिक का, मतलब मैंने तीन टॉपिक कवर किया। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें तो त्रिज्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो त्रिज्या, अब हमें क्वेश्चन में दे रखेगा व्यास, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं व्यास से रिलेटेड बताता हूँ, ये सब तो त्रिज्या हो गया, तो मैंने बता दिया। अब तो क्या करेंगे, इस टॉपिक इसे लिखेंगे टॉपिक 3, और ये लिखेंगे, ये फोटो बनाएंगे, ठीक है, और ये फोटो बनाएंगे, इसको नहीं, ये इसे नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप कर लिए होंगे, पास करके जल्दी से कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं इसे क्यों नहीं मिटा रहा हूँ, आप भूलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको ये जो क्वेश्चन दिया हूँ मैं चेंज ना कर सकूँ पूरा लेक्चर सीरीज में, ठीक है, तो मैं आपको कवर करूँगा, ठीक है, और इसमें बगल वाली साइड में छोटा सा जगह है, तो उसी में मैं कवर कर रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ को क्लियर हो जाए, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसी को मिटा देता हूँ और क्षेत्रफल कर देता हूँ, क्षेत्रफल, ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, जब व्यास दिया हो तब तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, जब दिया हो तब निकालेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला ध्यान रखिए एक बात, कि ये अपना, जैसे देखिए पहले मैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, सर्कल बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है, ऐसे तो जनरली आप लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन मैं कोर्स कंप्लीट करना है तो अच्छे से, मतलब कि एक अच्छा वे में, ताकि किसी को नहीं जानते, कोई आप में से कोई हमारा व्यूअर जो देख रहा है वो नहीं जानता, तो उसको भी क्लियर हो जाए, ठीक है, आपको अगर आपको आता है तो इसे आगे बढ़ा दें, ठीक है, ठीक है। तो देखो, ये सर्कल है अपना, ये ऑरिजिन है अपना, ऑरिजिन मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, ठीक है, तो ये अपना जो केंद्र बिंदु से एक रेखा जाती है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसको देखो यहाँ से, सॉरी बताता हूँ, देखो ये जो लाइन है, मैं ये लाइन बता रहा हूँ, इसके डिस्टेंस को हम डी बोल दें, तो यही डी क्या है, व्यास है, क्या है, व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब देखो, तो ये डी जो होता है वो क्या होता है, 2r, मतलब ये याद रखना है, ठीक है, व्यास क्या होता है, 2r, मतलब
तो आप ये समझ सकते हैं कि व्यास इज इक्वल टू, सॉरी फ्रेंड्स, व्यास इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2 गुना त्रिज्या, क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या, ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, जल्दी से कवर करते हैं, जल्दी जल्दी। व्यास हो गया, अब आइए त्रिज्या की बात कहा गया। अगर व्यास दिया हुआ है, मान लो देखो इसमें क्या है कि अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास निकालेंगे, अगर त्रिज्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है तो व्यास को क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दो टॉप, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पहले, सबसे पहले ये तो अभी इस टॉपिक का थर्ड है, तो हम थर्ड टॉपिक में सबसे पहले इसको जल्दी से कॉपी में लिख लें, फिर इसे लिखें, फिर इसे लिखें, फिर इसे लिखें, ठीक है। देखिए इसे इसलिए लिखने के लिए कर रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट डी इज इक्वल टू 2r बोल देंगे, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2r याद करेंगे, फिर वैसे ही r इज इक्वल टू क्या याद करेंगे, डी अपॉन 2 याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे चीज को आप जल्दी अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तेजी से। अभी ये अपना टॉपिक कवर कवर नहीं हुआ, बस इसको है क्योंकि अपने पास जगह कम है, तो जल्दी से इसको आप वाइप कर, मैं कर रहा हूँ, आप आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब कि टॉपिक सेम ही है। अब जब व्यास दिया हुआ है तो हम एरिया और परिधि का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो परिधि इज इक्वल टू पहले परिधि, परिधि इज इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए हमारा जो था पाई आर, 2πr था, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि व्यास, तो डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा, 2r पढ़ा, ठीक है। तो मतलब 2r की जगह पे हम डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2r की जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं। तो आइए इसी को रीअरेंज करते हैं, 2r π, ठीक है, ऐसा लिखना सही होगा ना, सही होगा। देखो कैसे सही होगा, अगर आप सोच रहे हो कैसे सही होगा सर, तो 4 × 3, क्या बोल रहे हैं, 4 × 3 या 3 × 4 क्या होगा, 4 × 3 क्या होगा, 12, और 3 × 4 क्या होगा, 12, दोनों को तो सेम ही होता है, सेम होता है ना, तो क्या है कि सेम होता है तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आप लोग बच्चों को ध्यान रखना होगा इस सब चीज़ों को, ठीक है। तो सेम होता है तो मैं इस चीज को क्या बोल सकता हूँ, डी बोल सकता हूँ, तो डी बोलूंगा तो डी पाई हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, तो हमारा जो परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिएगा परिधि का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई डी, क्या हो जाएगा, पाई डी, क्लियर। देखिएगा पाई डी, देखिए किस किसी बच्चों को होता है, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे होते हैं, जो हिंदी माध्यमिकता से पढ़ते हैं, तो उनको ये सब छोटे छोटे मैथ्स में थोड़े वीक हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, वो ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारे, तो हमारा मोटिव यही है कि आप अच्छे से सीखें। किसी को होता है क्या कि उसे धीरे से समझ में आता है, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाता है, उसे फॉर्मूला रटने में टाइम लगता है, उसे फॉर्मूला समझने में टाइम लगता है, तो अपने हिसाब से वीडियो को स्लो करके, पीछे करके, आगे करके देख लें। क्लास में क्या होता है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर होता है कि आगे वाले बेंच को समझा दिया और पीछे वाले बेंच पर ध्यान नहीं गया, ठीक है, तो पीछे वाले बच्चे फिर से पीछे हो जाते हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो इस चक्कर में हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट है परिधि, हो गया ये परिधि, और फिर आते हैं क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होगा फॉर्मूला, क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या होता है, पहले पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या होता है, ठीक, ये फॉर्मूला नहीं होता है, देखो हम लोग जब आर दिया हुआ हो और डी दिया हो तो डी बाई 2 होता है, हम लोग पीछे पड़ जाता है, हम लोगों ने पीछे पड़ा है, ठीक है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे आर की जगह पे सेम फॉर्मूला को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमेशा देखिएगा फ्रेंड कि जब आर स्क्वायर है
आप रखें ऐसे डी अपॉन टू पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि आर है तो आर पे होल स्क्वायर, तो ये आर का फॉर्मूला, ये क्या है आर है तो आर का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आइए तो क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, तो अब इसको देखिए पाई डी का स्क्वायर डी, और टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर आप लोग को याद होगा बताइए फोर, क्या होता है फोर, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या फॉर्मूला याद रखते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं क्षेत्र फल स्क्वायर टू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर, ये हम अपना फॉर्मूला याद रखते हैं जब व्यास दिया हो तब, ठीक है। तो ऐसे ही अर्थ परिधि का भी निकाल लीजिएगा, ये आप पे छोड़ते हैं फिर, ठीक है। मैं फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के दौरान आपको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। इसलिए नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिंपल है और आप अपने कुछ आप से खुद से करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अभी डाउट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तब डाउट अपना आएगा, सिर्फ यहाँ पे तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे बात करता हूँ, आप लोग नोट कर लिया होगा, अच्छा मैंने बताया नहीं कि क्या क्या नोट करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मूला नोट करना है, क्षेत्रफल लिखना है, क्षेत्रफल है तो ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला, ठीक है। आप पूरा ही नोट कर सकते हो इसमें, नेक्स्ट आते हैं, चले चलिए ठीक है, जल्दी चलते हैं। अभी टॉपिक खत्म हो गया, थर्ड टॉपिक था, टॉपिक थर्ड ही था ना, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टॉपिक पे, नहीं ये फोर्थ टॉपिक ही था अपना, ठीक है। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, फोर्थ टॉपिक। अब हम लोग फिफ्थ टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, टॉपिक फिफ्थ पे चलते हैं। तो देख लेते हैं टॉपिक फिफ्थ में हमको क्या पढ़ना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें पढ़ना है वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल। टॉपिक फाइव में क्या पढ़ना है, वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हमको निकालना है, बलय क्या होता है देखिएगा मैं बताऊंगा, जिसे हम इंग्लिश से बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिंग, क्या बोल सकते हैं एरिया ऑफ रिंग, मतलब रिंग तो आपने देखा ही होगा एरिया ऑफ रिंग, तो बलय उसी को कहते हैं, ठीक है, रिंग को ही बलय कहते हैं, ठीक है, रिंग को ही बलय कहते हैं। तो ये रिंग जो है हमको निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है। देखिए तो फिर कैसा होता है रिंग, देखिएगा रिंग क्या होता है, थोड़ा सा होता है, आपको लग रहा होगा सर ये भी तो रिंग ही है, हाँ रिंग तो है, लेकिन देखिए ये जो है इसकी मोटाई आप जब आप एक रेखा खींचेंगे तो उसकी मोटाई आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्कर से मैं लिख रहा हूँ तो ना, तो रिंग तो थोड़ा मोटा होता है ना, तो हम लोग मोटा दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं मोटा दिखा रहे हैं, देखिएगा ये हो गया अपना रिंग, रिंग क्या है देखिएगा, देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है, आइए जल्दी से कम। तो इसका इस साइड जो मैंने ये डैश डैश किया है, इसी का एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसी का एरिया निकालेंगे तो पहले आइए, पहले हम जान लेते हैं कि इसका हम मान लेते हैं जो अंदर वाला रिंग है, जो ए वाला रिंग है उसका आर क्या है, उसका आर है, और जो बाहर तक है, बाहर तक यहाँ तक उसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर से तो बाकी भी होंगे, ठीक है। तो हमें इस साइडेड रीजन का पता करना है, ठीक है। देखो तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो, सोचो ना, सोचना है तभी इस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर, कैसे कर पाएंगे देखना, मैं कैसे आप लोगों को सोचने को मजबूर करता हूँ, आप सोचना स्टार्ट कर दोगे ना तो दुनिया का किसी कोई भी क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए, किसी का सपना होगा साइंस लेके ट्वेल्थ करने का, किसी का सपना होगा साइंस लेके ट्वेल्थ करने का, इंजीनियरिंग बनने का, इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर में तो ये सब नहीं होता है, लेकिन इंजीनियर को लोग को जरूरत होता है, ठीक है। तो
आप अपने सपनों को पूरा इसी तरह से कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए मैं सोचने में सोचना बता रहा हूँ। देखिए मैंने ये बाहर वाला जो सर्कल है, देखिए सर्कल तो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा सर्कल से भी कोई दिक्कत नहीं होगा अपना, देखिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सर्कल अपना कैसे भी रहे हमें समझना होगा। देखो तो ये अपना जो मैं ये जो सर्कल है ये बड़ा पार्ट है, ठीक है, इसका जो रेडियस है मैं आर मान लेता हूँ, इसी का समझ रहे हो ना। अब देखो एक अदर सर्कल है, देखना यहाँ पे गौर से, अगर आप यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, छोटा सा सर्कल मैंने बनाया, क्या बनाया, छोटा सर्कल बनाया, ठीक है, इसको भी मैंने सेडिट कर दिया, और इसका जो रेडियस मैंने बोला क्या बोला, आर बोला। आप क्या करो, इस छोटे सा जो सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस इसमें डाल दो, ठीक है। तो क्या किया आपने, इसको इस सर्कल मतलब इस सर्कल प्लेट को, प्लेट है दो प्लेट है, एक छोटा प्लेट है एक बड़ा प्लेट है, तो छोटा बड़ा प्लेट है तो छोटे वाला प्लेट को बड़े प्लेट पे रख दिया, चलो मैंने रख दिया। अब देखो अब इसका भी तो अलग एरिया हो गया, ठीक है। अब देखो तो क्या हमें इस एरिया को निकालना है, प्लेट को बड़े वाले प्लेट पे हम लोग रखेंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स, तो आइए तो छोटा वाला प्लेट को बड़े वाले प्लेट पे हम लोग रखते हैं, रख दिया, एक अंदर फिगर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हमें कैसे सोचना है, तो आप लोग को तो थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला साइडेड रीजन, क्या निकालना है, ये साइडेड रीजन निकालना है। तो साइडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या सोच रहे होंगे कि अगर हम बड़े वाले प्लेट को छोटे वाले प्लेट, अगर बड़े वाले प्लेट का एरिया निकालना, छोटे वाले प्लेट का एरिया निकालना, तो बड़े वाले प्लेट का एरिया को माइनस कर देंगे छोटे वाले प्लेट के एरिया से, तो हमारा ये साइडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है। तो अपना बेसिक कंसेप्ट यही रहा, हमारा मूल जो हमारा जो कंसेप्ट है यही है, ठीक है। जल्दी से आते हैं तो फॉर्मूला पे जल्दी से करते हैं, बहुत एक्चुअली में बहुत लंबा हो गया वीडियो शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। तो पाई तो देखिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल, सॉरी वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा बताइएगा। देखिए बड़ा वाला का क्या होगा, पायर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया, बड़े वाला प्लेट का एरिया माइनस छोटे वाले प्लेट का एरिया, तो क्या होगा, पाई का कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या होगा, देखिएगा तो यही अपना फॉर्मूला हो गया, यही अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग फॉर्मूला बोल देंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, किसी को लगा सर नहीं मैंने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं किसी और तरीके से होता तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हमको यहाँ पे रखना होगा। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया, तो हम इसको तोड़ दे देंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्मॉल फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है क्लियर है ना, आप लोग क्लियर हो गया होगा ये चीजें। अब वलय का क्षेत्रफल निकालना, आपसे मुझे कंसेप्ट यही है कि बड़ा वाला प्लेट का एरिया निकाल लो, माइनस कर दो, माइनस करने का मतलब घटा दो छोटे वाले प्लेट का, ठीक है। तो आगे बढ़े, फास्ट मूव करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे सारा चीज, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ताकि हर बार बोलूँगा तो क्या हो रहा है ना कि टॉपिक बढ़ता जा रहा है, पांच टॉपिक मैंने कवर कर दिए, इसी में मैंने सारा कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आठ वृत्त हमने पढ़ लिया, वलय का पढ़ लिया, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, देखिए फिर ठीक है फिर, तो हम त्रिज्यखंड का जो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा हमारा लेक्चर, ठीक है, तो आप लोग को हमारा लेक्चर समझ में यहाँ तक आया होगा, और इस
इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं पूरे इस सीरीज में, पूरे इस सीरीज में ये ठीक रहेगा, मैं यहाँ पे नोट करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैं करता हूँ, आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कि आप एक ओपन एडुसर चैनल है जो आप लोग को फ्री में, मतलब यूट्यूब चैनल पे आप लोग को अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है, 10th क्लास तक बच्चों को समझाया जाता है। तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।